फाइनली लाखों सालों के बाद विक्टर एक्सूट इज बैक। विक्टर फेरो एक्सूट आप लोग उसको कह सकते हो, और आज विक्टर फेरो एक्सूट कुछ ऐसा करने वाला है जिसको देख के आपका दिमाग फट जाएगा। आज विक्टर एक्सूट लेने वाले हैं सेल्फी, वो भी हैकर के साथ। जी हाँ, आज हमारे मैच में हैकर आया हुआ है और विक्टर एक्सूट वाले भैया लेंगे उनके साथ सेल्फी। बहुत ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लेना ऑल पे सेट। मजे की बात तो ये है कि भैया उतरते ही हमारे पास ही उतर गए हम क्या हैकर अंकल। और लो, इसने विक्की को मारा और उसी टाइम पे बैन। भाई क्या ही बोलूं भाई, विक्टर अंकल जब भी आते भैया अपना अल्टीमेट फेरो एक्सूट पहन के, तब तब गेम के अंदर कुछ ना कुछ भाई करतूत ये कर देते हैं। और इसने भाई जैसे विक्की की पेटी बनाई यहाँ पे ये बैन हो गया, और यहाँ पे विक्टर अंकल ने इसको नॉक किया और ली इसके साथ सेल्फी। तो गाइस इस सेल्फी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। इस हैकर की फूटी किस्मत भी देखो, मुकाबला भी किसके साथ हुआ, विक्टर अंकल के साथ। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले तो इन हैकर अंकल को नॉक करके फिनिश डाला। अब मैंने देखा भैया अल्टीमेट फेरो के साथ भाई है, विक्टर का सर दिख रहा था, मतलब फेरो का असर नहीं दिख रहा था। तो मैंने इसको कपड़े उपड़े उतार के वापस से पकड़े, लेकिन फिर भी विक्टर अंकल ही उन्हीं का ही सर दिख रहा था। तो यहाँ पे विक्की मार चुका था, मैं ऊपर लूट रहा था, और तभी जैसे यहाँ पे मैंने पेटी खोली पीछे साइड से बंदे आ गए। अब इसको इधर से डैमेज किया तो ये भाग के आगे एक साइड गया, और तभी पीछे मौली आई। अब ये बंदा डैमेज था तो ये अपने आप को छुपाने में लगा हुआ था, और उतने में मैंने इसके टीममेट को नॉक कर दिया और इसको भी फिनिश कर दिया, और यहाँ पे इन दोनों का खेल हो गया खत्म। भाई का नाम कमांडो है, लेकिन भैया एकदम कमांडो की तरह खेल नहीं रहे, छुप रहे थे। लगली यहाँ पे इन लोगों की पेटी वेटी बनाई लूट वगैरह करके, यहाँ पीछे साइड भाई बहुत तगड़ी वाली गन साउंड आ रही थी, तो उधर ही साइड आया। अब इस बंदे पे मौली करिए, बच के गया, पोर्टल लगा के मैं इस पे गया। अब यहां पे भैंस की टांग मैंने दो बंदे भरे, और क्या ही इस बंदे ने जंप करके ग्रेनेड मारा भाई, क्या ही तगड़ा ग्रेनेड मारा। मैं यहाँ पे भाई लिटरली 15 HP 20 HP बचा, इन बंदों ने मेरे पे रस किया, मैंने उसको नॉक कर दिया था सामने, पीछे भी एक बंदे को, दो बंदे नॉक, मैं नीचे गिर गया। अब दो बंदे बचे थे मैं भाई, मतलब गेम में कैंपर ना हो तो मजा कैसे आएगा गाइस। ये भाई साहब अलग से बिना फुट किए बैठे हुए, दो बंदे मैंने नॉक किए, एक बंदे के पीछे फुट से, एक बंदे के लेफ्ट साइड से, लेकिन ये बंदा वहां पे इंतजार कर रहा था पता नहीं क्या करके, नंगा होके पूरा कमांडो बन के। फिलहाल के लिए उसने मेरी पेटी डाल दी और मैं नीचे आता हूँ। देन उसके बाद यहाँ सिप में हमको अल्टीमेट ड्रॉप देखने के लिए मिलते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन। यहाँ पे जैसे तीनों ड्रॉप आए हम भी पहुंच गए लूटने के लिए। अब इस ड्रॉप से अच्छी अच्छी लूट वगैरह करके हम जा ही रहे थे कि तभी वापस से ड्रॉप के साइड से फायर आया। पहले तो बॉट फायर आ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे UMP चली। यहाँ पे हमें दो बंदे स्पॉट हुए, एक बंदे को नॉक किया, दूसरा बंदा नॉक। भाई इसके लिए गाइस एक लाइक तो बनता है। अब ये बंदा फुल भी, तीसरा बंदा भी नॉक, और नीचे के साइड से एक बॉट अंकल आए, तो हम बॉट अंकल को मारने के लिए निकल गए, और यहाँ पे ग्रोजा की बुलेट हो गई खत्म। भाई
ये तीनों बंदों को जो ही घुमा घुमा के मारा, मजा ही आ गया। पसीना तो थंब स्लीव जॉयस्टिक पटक जा रही है ना, ये थंब स्लीव नहीं उंगलियां अटक गई, लेकिन तो लगा है नहीं मैच। बॉट अंकल आए थे भैया क्लच करने। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन सब लोगों की बना दी पेटी, देन उसके बाद यहाँ पे हम लूट वगैरह कर ही रहे थे। यहाँ पे कालीन लगाई थी और यहाँ से निकल के हमें जाना था सिप की तरफ या फिर अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पे हम लेन देन कर रहे थे, भैया 50 वाला मैग मेरे को दे दे, मेरे को ग्रोजर में लगाना है, टेलीपोर्टेशन डिवाइस उठा ले। और तभी भाई ये बंदूक का आखिरी बंदा जो था उसने कर दिया इनको रिकॉल, और ये रिकॉल होके यहीं आ गए। अब हमें बाद में पता चला कि भैया ये रिकॉल होके नहीं आए हैं, ये उतरे हुए हैं भाई, और यहाँ पे आए और आके सीधे दोनों को दोनों ठुक गए और इनका हो गया खेल खत्म। यहाँ विक्की को मैंने रिवाइव किया, देन उसके बाद एस प्लांट हम सिप पे गए। अब यहाँ हमें लगा था सिप में एक स्क्वाड तो मिलेगी हमें, लेकिन यहाँ कोई नहीं था, तो हम यहाँ से कैनल लगा के डायरेक्ट उड़ के जाते हैं अपार्टमेंट की तरफ। और जैसे ही अपार्टमेंट की तरफ हम जा ही रहे थे, तभी यहाँ पे अपार्टमेंट से एक गाड़ी रिकॉल के साइड गई हुई थी, तो हम यहाँ पे उतर के डायरेक्ट और चटाई वटाई लगा के उड़न खटोला लगा के और अपार्टमेंट की तरफ निकल के जा चले गए, अपार्टमेंट सॉरी रिकॉल के साइड। अब गाइस हम लोगों ने न्यू क्रेट ओपनिंग कर दी, अल्टीमेट सेट, अल्टीमेट चटाई की, अल्टीमेट कालीन की, तो उसकी क्रेट ओपनिंग भी आप लोग जाके देख लेना मिस्टर साहब स्क्वाड रॉक्स पे, देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अरे बॉट अंकल भाई पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं बीच में टक टक करते हुए। इस बंदे की फूटी हुई किस्मत, इसको लगा कि मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ तो ये बॉट को मैं समझ के मार गया और मैंने भाई इसकी कर दी ठुकाई। अब जैसे इसको मारा पीछे से बग्गी आई, बग्गी वाले का टायर उड़ा दिया। विक्की को बोला जल्दी से जल्दी कालीन लगा, तभी पीछे से एक और गाड़ी का साउंड आया। मैंने बोला आई थिंक सो पूरी की पूरी स्क्वाड है, कूप लेके चलते हैं कूप लेके। अब यहाँ पे हम लोग गड्डी लेके निकले बंदों की तलाश में। अब वो बग्गी वाले को यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बग्गी वाला था ही नहीं, उसकी बग्गी हो गई थी यहाँ से गायब। और तभी इवेंट पे बंदे स्पॉट हुए हमें, और हिल पे मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, मैंने बोला चलो भैया फुटपाथ पे आ गया बंदा। अब आपको तो पता है फुटपाथ पे जब भी मुझे कोई मिलता है तो उसके साथ क्या होता है। भाई मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी गाड़ी और इस भैया का हो गया खेल खत्म। अच्छा ऊपर आ गया हमारे कार पे। अब यहाँ से उड़न खटोला लेके कोई तो भाग के जा रहा था। सही लग रहा है आपको ये जगह? हिल विल से एक नॉक कर लो ना, फिनिश कर दे। हिल पे कब लगा चटाई रुक गई, हो जा रही चटाई सामने। वहां से हम घूम के इधर साइड आ गए क्योंकि वहां पे ग्रेनेड वगैरह आ सकता था और यहाँ से हमें एम भी मिल जाता। तभी सामने स्मोक हुआ और लेफ्ट साइड से एक और चटाई आई, वही बंदा था आई थिंक सो जो गया था चटाई लेके अपना उड़न खटोला लेके। अब मैंने उसको मारा तो लेकिन भाई और हीट इफेक्ट भी आया, लेकिन भैया उस बंदे को गोलियां ही नहीं लगी, लग रहा है सारी की सारी कारपेट को लग गई। अब मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके डायरेक्ट इधर आया, सामने ग्रेनेड हुआ। अब मैं सामने यहाँ पे टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगा रहा था लेकिन भैंस की टांग ये लगने का नाम ही नहीं ले रहा था, फाइनली लगा मैं गया। हाँ डायरेक्ट दो बंदों की फुर्सत है, तीन बंदों की। ये अंदर दोनों पड़े हैं आपके, ये के दोनों
अब यहाँ पे इन दोनों की पेटी बना दी और हमें छत के ऊपर से एक बंदे के भैया सांप के सरकने वाले साउंड आ रहे थे, दूसरा वाला बंदा पता नहीं कौन से कोने पे घुस के बैठा हुआ था, देखा आप लोगों ने। मैंने विक्की को बोला कि भाई तू कुछ मत करना अभी, उसको उसको रुक जा, उसका गेम बजाते हैं अपन। मैंने बोला पीछे की साइड तू रहना। अबे बॉट नहीं है साला ये असली बंदा है। एंड बूम, ये बंदा नॉक हुआ भाई। मॉली बड़ी तगड़ी करी थी इसने, विक्की यहाँ पे लिट हुआ और बॉट अंकल ने भी विक्की को लिट कर दिया। मतलब ये बॉट हर जगह पे आ रहा है भाई क्लच करने के लिए, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन सब लोगों की पेटी बना दी। ऊपर वाला बंदा नॉक पड़ा हुआ था तो हमें लगा इसका टीममेट हो सकता है बचाने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जब कोई भी नहीं आया तो हम निकल पड़े भैया इसकी बनाई पेटी। और गाड़ी देख रहे हो अपनी कहाँ पे पार्क होके रखी है टेलीपोर्टेशन डिवाइस से, गाड़ी तो अब पार्क हो गई। उसके बाद हम यहाँ से उड़ के जा रहे थे जोन के अंदर, तभी यहाँ पे एक उड़न खटोला लेके बंदा भाग के जा रहा था और इसकी फूटी किस्मत, फ्यूल खत्म हो गया इसका। तो यहाँ पे भैया इनकी तो पेटी बन गई वो भी बड़े आराम से। अब हम उड़न खटोला लेके निकल के जा रहे थे, हमें यहाँ ट्रिपल अपार्टमेंट में दिखी गाड़ियाँ, वहाँ पे कोई बंदे नहीं थे, लेकिन ये मेन बिल्डिंग में रिकॉल वाली पे बंदे थे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आओ, हमारी फूटी किस्मत, हमारा फ्यूल खत्म। लेकिन मैंने विक्की को बोला जंप मत करना भी, नहीं तो वो नॉक कर देगा, जैसे कलीन नीचे आएगा वैसे जंप कर जाना। और भैया यहाँ पे दिमाग का यूज़ करके हम लोग बच गए, नहीं तो ये बंदा तो हमारी पेटी डाल देता वो भी बड़े आराम से। अब हमें ऊपर से दो बंदों के फुट्स आ रहे थे, यहाँ पे जैसे मैं आया बगल वाली बिल्डिंग से मुझे एक और बंदे के फुट्स आए। मैंने विक्की को बोला कुछ मत कर, ग्रेनेड मैंने यहाँ पे खोला तो एक बंदा मुझे ऐसा लगा कि जंप किया और उसी टाइम पे फुट्स आए जंप करने के, और पीछे से इसने हम पे कर दिया रहा, जिसको मैंने डैमेज किया। अब इसको नॉक किया मैंने, नॉक करने के बाद भैया इसको छोड़ दिया और यहाँ पे इसको मारे मुक्के, दो मुक्के मार के छोड़ दिया इसको, ताकि अपने टीममेट्स को बोले। और तभी हमारा प्लान काम भी कर गया, इसका टीममेट जोश में नीचे कूद गया अपने टीममेट को बचाने के चक्कर में, और ये कूदा था यहाँ बालकनी में। मैं गया, ये लपेटा गया, इनका आखिरी टीममेट भी कूद जाता है। एंड इसी के साथ ये वाली स्क्वाड वाइप कैसी लगी आप लोगों को गाइस, और इनके साथ हम लोगों ने माइंड गेम खेल दिया और ये बेचारों का खेल हो गया खत्म। उसके बाद हम छत में गए उड़न खटोला लगा के, बाकी बंदों की तलाश करने जा रहे थे और तभी ये बंदे ही हमारे पास आ गए। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ग्रेनेड जा सकता है क्या वहां तक फेंका, लेकिन ये ग्रेनेड थोड़ा सा ओवरकुक हो गया। मैंने यहाँ पे एक लेफ्ट में ग्रेनेड फेंका और एक जंप करके फेंक दिया, और उसी टाइम पे जैसे इस बंदे पे ग्रेनेड गिरे तो ये भैया गाड़ी लेके निकल के जा रहे थे, लेकिन इनका टीममेट तभी वहाँ पे उतरा और वहाँ पे उसको मैंने डैमेज किया। अब मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज़ कर रहा था भैया, लेकिन टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगने का नाम नहीं ले रहा था, ऊपर से इसको लगाने के चक्कर में उस बंदे ने मेरी लगा दी थी। फाइनली टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगा, हम यहाँ आए और इस बंदे को भगा भगा के भैया नॉक कर दिया। अब इनका जो एक टीममेट था भाई साहब का वो पीछे के साइड गया। मैंने बोला नीचे मत जा भाई, पता नहीं कहाँ पे बैठा होगा, किस कोने पे नॉक वॉक कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। मैं पीछे के साइड गया देखने के लिए कि पीछे कहीं घूम के रोटेशन देके बड़ी वाली बिल्डिंग में जाके हमारी पेटी बनाने का प्लान तो नहीं कर रहा, लेकिन तभी यहाँ पे फुट्स आए और ये भाग के यहाँ खड़ा हो गया। मैंने यहाँ पे मॉली खींची, मॉली डाली, जला पक्का जला जला जला।
एंड इसी के साथ विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। कल आ रहा है हमारा न्यू एपिसोड, तो उसकी क्रेट ओपनिंग आप लोग को देखनी है कि नहीं देखनी कमेंट में बताना। और गेम प्ले तो भैया आएंगे अगर आप लोग क्रेट ओपनिंग देखना चाहोगे तो। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में, टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।